बस भिंडी के इतने दाम लगा के ना हवेली खड़ी कर ले तू। बताओ लूट की भी हद होती है, चलो जी यहाँ से। क्या हो गया, अभी तक इतनी सूझी भी क्यों? अरे भाभी को नीचा दिखाना था तुम्हें, विधि का रिश्ता तोड़वा के भी तुम्हारे कलेजे को ठंडक ना पड़ी। पड़ जाती अगर वो रायचंद कंपनी वाले देव साहब आकर ना अपनी पगली फिल्म को काम करना बोलते तो। अभी तो ना ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने विधि के हाथ से लड्डू छीन के काजू कतली थमा दी हो। अरे पगली, बस नौकरी की ही बात है ना, कौन सा भाई साहब जाने दे रहे हैं उसको। आइए आइए हरि प्रसाद जी। अरे तुम भी जाओ ना। अरे मुझे कोई बुलाया थोड़ी है। तुम्हें तो कुत्ते अपनी सभा में ना बुलाए, मतलब सुनना तो जरूरी है ना, कौन जाने क्या बात हो, है ना। चलो। किस बात की बैठाई चल रही है आज? अरे वो रास्ते बहुत खराब हो गए हरि प्रसाद जी, तो सोचा सबसे पैसा इकट्ठा करके ना रास्तों की मरम्मत कर दी जाए। अच्छा है, ठीक है ना। पहले इनकी सुन लीजिए, ये कुछ कहना चाह रहे हैं पांडे जी आपसे। हाँ जी पांडे जी। जी प्रसाद जी, मुझे अपनी सोने की चेन बेचनी थी। आप देखकर बताएंगे कितने तक आ जाएगा इसका? क्या कर रहे हैं पांडे जी, क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इसको बेचने जाएंगे तो इसकी बनाई और घिसाई काट कर सुनार आपको आधे पैसे ना देने का इसके। क्या हो गया, बच्ची की सगाई शादी चल रही है क्या कुछ? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटी की बम्बई में नौकरी लगी है, उसे कल ही वहाँ पहुँचना है, इसलिए हवाई जहाज का टिकट कराना था, बस इसलिए बेचनी पड़ रही है। क्या एकदम बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं आप, लोगों के घर में बच्ची पैदा होती है लोग सोना जोड़ना शुरू कर देते हैं कि बच्चे के ब्याह में काम आएगा, और आप सोना बेच रहे हैं इसलिए कि उसको बाहर भेजना है, शहर के बाहर, वो भी काम करने के लिए। नहीं नहीं गलत बात है पांडे जी, एकदम गलत बात है। अच्छा खासा कमा लेते हैं आप तो बच्ची को भेजना ही क्यों? बात पैसे की नहीं है, बात है बच्ची की बढ़ोतरी की, उसकी इच्छा की। बाहर जाएगी तो जिंदगी ठोकरे मार मार कर उसको सिखाएगी, उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा। अब मैं पता नहीं कब तक हूँ उसके साथ, हमेशा तो रह नहीं सकता, और ससुराल में छोटी मोटी ऊंच नीच भी संभाल लेगी, उसको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बहुत सही बोला आप। मैंने क्या बहुत सही बोला, क्या बोल रहे हो तुम? ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे पांडे जी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ये तो। अरे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता कहाँ से ढूंढा जाए, और आप हमें बाहर भेज रहे हैं, नहीं गलत बात है ये तो, बिल्कुल गलत बात। अरे आप भाई साहब से प्रेरणा लीजिए ना, रायचंद इंडस्ट्री वाले भाई साहब की बेटी विधि के लिए नौकरी का प्रस्ताव दिया था, भाई साहब ने एक पल नहीं लगाया मना करने में। अरे कलेजा चाहिए होता है अपने असूलों पे चलने के लिए। ये क्या कर दिया आपने हरि प्रसाद जी, रायचंद इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग मरते हैं और आपने प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये तो अपने हाथों अपनी किस्मत पर आग लगाने जैसा हुआ। मैं तो कहता हूँ कि मौका है तो अपनी बिटिया को काम करने दो। हाँ हरि प्रसाद सही कह रहे हैं ये लोग, अरे बिटिया बाहर जाएगी, चार लोगों से मिलेगी, तुम्हारी तो नाम रोशन होगा ना। नाम ना रोशन होगा, उल्टा इतने सालों की इज्जत मिट्टी में मिलेगी। अरे होंगे वो बड़े लोग, लेकिन हमारे भाई साहब के उसूलों से बड़े थोड़े ही हैं। सात पुश्तों से किसी औरत ने घर की दहलीज नहीं लांगी, और वो पगली फिल्म, मेरा मतलब है विधि लांगेगी। अगर काम करना ही है, इतना ही शौक उमड़ा है, तो फिर घर का ब्यूटी पार्लर है वहां कर ले काम। वो तो गलत होगा ना, अरे बाहर जाएगी, चार लोगों से मिलेगी, कुछ सीखेगी ना। चिड़िया भी अपनी बच्चों को तब तक दाना खिलाती है जब तक वो उड़ना नहीं सीखते। कसम से मैं तो मीठी पर दुनिया बहुत खा रही, क्यों आप लोग हमारे भाई साहब के कान भर रहे हैं? कल को लड़की से कोई गलती हो गई ना तो आप ही लोग उंगली उठाएंगे और भेजो लड़की को बाहर। हाँ अच्छा यही होगा कि आप लोग हमारे घर के मामलों से दूर ही रहें। मैं तो बस कालू, मेरी बच्ची मेरे परिवार के सदस्यों के लिए क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला मैं करूंगा, ये चौपाल पे बैठ के समाज के चार लोग नहीं करेंगे, समझ गए ना आप लोग? कमाल है, भाई का तो जमाना ही नहीं है। माँ तू घबरा मत, मैं बात करूंगी उनसे, अभी अंदर चल चल। तुम दोनों समझ गई ना? माँ वो मैं क्या कह रही थी कि इतना घुमा फिरा के पापा से सीधे सीधे बात करते हैं ना,
नहीं नहीं ये ठीक है, वो आते ही होगी। चलो काम शुरू करो। आज सत्संग में गुरुजी ने सच में मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा कि हर माँ बाप के दो प्रमुख कर्तव्य होते हैं, पहला अपने बच्चों की इच्छा पूरी करना और दूसरा उन पे भरोसा करना, खास करके लड़कियों पे। लेकिन खास करके लड़कियों पे क्यों? क्योंकि लड़कियों में देवी मैया का अंश होता है और माता पिता को अपने संस्कारों पे और अपनी लड़कियों के अंदर छिपे देवी मैया के अंश पे भरोसा करना चाहिए कि वो कभी किसी गलत रास्ते पे ना चलें, और ये भरोसा करना मैया की सेवा करने जैसा ही है। भाई गुरुजी इतने ज्ञानी हैं तो उन्हें हमसे ज्यादा सही गलत तो पता ही होगा ना। भाई आज से मैं तो उनकी इस बात का पूरा पालन करूंगी। जय गुरुजी की, जय गुरुजी। अच्छा सीमा बेटा, तेरी कोई इच्छा है जो हम पूरी कर सके? वैसे तो भगवान ने मेरी झोली में सब कुछ डाला है, पर एक इच्छा बाकी रह गई है कि आज के बाद आप लोग मुझ पर भरोसा करो और मेरा होमवर्क कभी भी चेक ना करो। मौके का सही फायदा उठा रही है ये पॉकेट बॉम्ब। ठीक है बेटा। और विधि बेटा, तेरी ऐसी कोई इच्छा है जो हम पूरी कर सके? मेरी माँ, मैं सोच रही थी कि अगर आप मुझ पे भरोसा करें और पापा मेरा दिल समझे तो क्या मैं वो रायचंद ग्रुप में नौकरी कर सकती हूँ? अरे इतनी सी बात? अरे तेरे पापा को आने दे, वो तुझ पे पूरा भरोसा करते हैं। मैं बात कर, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे बिमला। तुम जानती हो घर की लड़कियां बाहर जाकर काम करें मुझे पसंद नहीं है। क्यों झूठे सपने दिखा रही हो बेटी को? क्यों? आपका सपना नहीं है कि विधि खुश रहे, उसमें आत्मविश्वास हो? है, अगर ये रास्ता नहीं है सपने पूरे करने का। घर की बेटियां घर की इज्जत होती हैं, और घर की इज्जत घर की दहलीज लांघकर बाहर काम करने जाए तो याद रखना बिमला, गिद्ध मंडरा रहे हैं आसमान में उसे उड़ा ले जाने के लिए। विष्णु भाई साहब की बेटी का याद है? 6 महीने हुए थे उसे काम करते हुए, अपने साथी के साथ भाग गई। इंदु काकी की पोती कहां से मिली थी पता है ना? पर अपनी विधि ऐसी नहीं है। जिस दिन समाज का भी ठेका ले लोगी ना कि हमारी बच्ची का नुकसान नहीं करेगा समाज, उस दिन मुझसे बात करना बिमला। बस एक शब्द भी और नहीं। पापा ये दूध, वो आज आपने खाना भी नहीं खाया। मैं जानती हूँ कि आप नाराज हो, लेकिन पापा परेशान ना हो, वो कल जो भी हुआ उससे मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं काम करूं तो शायद मेरे अंदर कुछ बदले, थोड़ा विश्वास आए। ये जितनी छोटी छोटी गलतियां करती हूँ ना मैं पापा, शायद वो करना बंद
I'm sorry, पापा. मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं दोबारा कभी ये बात नहीं करूंगी. I promise. लेकिन पापा मैं आपसे एक बात चाहूंगी. पापा दोबारा कभी मुझे उन लड़कियों के बराबर नहीं करना जो अपने अपने माँ बाप के खिलाफ चली जाती है. मैं ये नहीं कह रही पापा कि मैं उनसे अच्छी हूँ या मैं उनसे बहुत अलग हूँ, नहीं. लेकिन पापा मैं इतना जानती हूँ कि मुझे जो संस्कार मिले हैं, जो परवरिश मिली है, उनसे अलग है. जो मुझे आपने और माँ ने दिए है, तो पापा मुझ पे नहीं तो ना सही, लेकिन अपनी परवरिश पर हमेशा भरोसा रखना. पापा मैं पूरी दुनिया की हंसी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन लेकिन आपका मुझ पे भरोसा टूटे ये बर्दाश्त ना कर पाऊंगी, कभी नहीं. सॉरी पापा, वो दूध पी लेना. हाँ, गुड नाइट. अजीब दुश्मनी है तेरी दरवाजों से. कोई बंद रह के तकलीफ दे रहा है, कोई खुला रह के. हाँ प्रमोद, नहीं हायर कर ले उसको, ठीक है. चल मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ. ओके. याद है आज कौन सा दिन है? 27th August है. आज ही के दिन 30 साल पहले तूने अपने पापा का बिजनेस संभाला था, और आज ही के दिन आप सारे स्टाफ मेंबर्स को घर पे और ऑफिस में सबको मिठाई देंगे. 30 साल हो गए माँ, कब तक कर दी रहेंगे? चाची चाची, मम्मी जी, माय मस्कारा सो एक्सपेंसिव. मैंने ये बात सुन के मैं तो रो ही देती. इस घर में मेरा बर्थडे, मेरी एनिवर्सरी किसी को याद रहे या ना रहे, लेकिन भाई साहब पहली बार स्कूल कब गए थे, पहली बार कॉलेज किस दिन गए थे, और उनका ऑफिस का फर्स्ट डे कौन सा था, ये सब लोग याद भी रखते हैं और उसे सेलिब्रेट भी करते हैं. वाह प्रिया, हम में से किसी ने भी ना आज तक तुम्हारा बर्थडे भूला और ना ही एनिवर्सरी. यार राइट. और रही बात आज के दिन की प्रिया, तो आज ही का दिन था जिस दिन देव की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी. आज ही के दिन एक 15 साल के लड़के ने सब कुछ छोड़ दिया था और इस घर परिवार और बिजनेस की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली थी. और वो आज ही का दिन था जिस दिन इस घर की सुख समृद्धि की शुरुआत हुई थी. सुखी माँ, और वैसे भी अपने परिवार वालों को संभालना, उनका ध्यान रखना, ये कोई जिम्मेदारी थोड़ी होती है. तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता है. देव, तेरी बात हल्के में लेने से बात हल्की नहीं हो जाएगी. खैर, तूने सबका ध्यान रखा है, अब अपना ध्यान रख. तेरा भी परिवार शुरू करना है, समझा? अब एक अच्छी सी लड़की लेकर आ. मुझे ऑफिस जाना है, बहुत जरूरी काम है, मीटिंग है, आप मिठाई खाओ. मम्मी जी, आप इस उम्र में भाई साहब की शादी का सोच रही हैं? जिस उम्र में इनकी उम्र के इनके दोस्तों के बच्चे जो 20-25 साल के होंगे, वो स्कूल में नहीं कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे. जानती हूँ प्रिया, देर हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि देव की लायक उसकी हम सफर कहीं ना कहीं जरूर होगी, जो बहुत जल्द देव का हाथ थामने उसकी जिंदगी में जरूर आएगी. अरे ऐसे हाथ चलाओगे तो बन गया तुम्हारे मामोसा का टिफिन. जल्दी जल्दी काम खत्म करो.
विमला, विमला ये देख, मैंने ना दो दो इंच कम कर लिया इस तरफ से, यहाँ से भी ठीक लग रहा है भाई? हाँ अच्छा लग रहा है, तू बैठना। विधि बेटा जल्दी से काम खत्म कर और फिर सीमा को तैयार कर दे स्कूल के लिए, और स्कूल छोड़ने के बाद। एक मिनट विमला, सीमा को स्कूल छोड़ने के बाद विधि ऑफिस जाएगी। तो तुम्हारे गुरुजी ने ज्ञान दिया था विमला, लेकिन मेरी आंखें मेरी बच्ची ने खोल दी। कितनी आसानी से मेरी इच्छा के लिए सर झुका दिया अपना। चाहती तो ये भी कुछ बच्चों की तरह बाप से विद्रोह कर सकती थी, झगड़ा कर सकती थी अपने बाप से, नहीं किया। इसने मुझसे अपनी आजादी नहीं मांगी, बल्कि अपने ऊपर विश्वास मांगा। उस एक पल में मुझे एहसास हो गया बेटा कि अपनी जिद और अपने पुराने ख्यालों की वजह से मैं कितना छोटा हो गया हूं, और मैं देव साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एहसास कराया कि मैंने अपने घर में घड़ी तो रखी हुई है, लेकिन उस घड़ी में बदलते हुए समय का सम्मान नहीं कर पा रहा हूं मैं। घड़ी हमको हमेशा याद दिलाती कि समय कभी रुकता नहीं, वक्त बदल जाता है, हमें भी अपनी सोच को बदलना चाहिए। तुम उससे विश्वास चाहती है ना बेटा, तो दिया बेटा अपना पूरा पूरा विश्वास तुझे दिया। क्योंकि मैं जानता हूं तू कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से तेरे बाप का सर शर्म से झुक जाए, कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेके जाऊंगा तुझे देव साहब के ऑफिस। अब ये कहानी में ट्विस्ट, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। पापा, मैं आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी। जानता हूँ बेटा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। भाई साहब, आज आपके इस फैसले की वजह से आपकी इज्जत मेरे नजरों में और बढ़ गई। आप नहीं जानते, आपने ये फैसला लेकर सिर्फ विधि को ही नहीं बल्कि विमला को भी कितनी खुशी कितना संतोष दिया है। अरे अंत भला तो सब भला। विधि बेटा तो जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। एक मिनट, सबसे पहले एक शर्त है मेरी।